शिया अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। शिया की बहुत अजीम जिम्मेदारी है, शिया कहते ही जिम्मेदार इंसान को है। शिया में और मुहिब में फर्क है, मोहब्बत करने वाले को शिया नहीं कहते, मुहिब कहते हैं। मुहिब हजरत सैयद शहदा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि अना मिन शियातिकुम, ए मौला मैं आपका शिया हूं, मैं आपका शिया हूं। हजरत ने फरमाया कि इत्तकिल्ला, अल्लाह का खौफ खा, अल्लाह से डर, ये बात करते हुए अल्लाह से डर, तू बहुत बड़ी बात कर रहा है, तुझे अंदाजा नहीं है कि क्या कह रहा है तू, अल्लाह से डर, ए बंदे खुदा अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ खा, तू क्या कह रहा है तू। ये कहने लगा कि मैं आपका शिया हूं। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह का खौफ खा, अल्लाह से डर, तुझे मालूम है तू क्या कह रहा है, तुझे मालूम है शिया क्या होता है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने शिया का मेयार बताया। शिया का मेयार बताने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तू फकत यह कहने की इजाजत रखता है कि अना मिन मुहिबी को, मैं आपके चाहने वालों में से हूं, तू हमारा शिया नहीं है, तू सिर्फ हमारा चाहने वाला है। क्यों? ये जो हमारे नाम पे खुश होता है और हमारे नाम पे रोता है, यानी तू हमें चाहता है, हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन तू हमारा शिया नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि चाहने वाला जरूरी नहीं कि जिम्मेदारियां भी कबूल करे। शिया कौन है? शिया वो होता है जो अपने इमाम की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां भी अपने दोष पर रखता है और उन जिम्मेदारियों को अदा करता है, उन जिम्मेदारियों को अदा करते हुए जिंदगी बसर करता है और उन जिम्मेदारियों के अदा करते हुए उसे मौत आ जाती है। जिम्मेदारियों को हमें समझना होगा, वो कौन सी जिम्मेदारी है? मुहिब की कोई जिम्मेदारी नहीं रखता, मुहिब सिर्फ मोहब्बत करता है, लेकिन शिया जिम्मेदार भी है, उसके दोष पे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली गई है जो उसको निभानी है, अंजाम देनी है। अजी जिम्मा शिया जिम्मेदारियां भूल गया, ये बाप किसी ने पढ़ाया ही नहीं शिया, यानी जो मासूमीन ने जिम्मेदारियां शिया की मुकर्रर की थी वो किताब ही बंद कर दी गई शिया के लिए, शिया को पढ़ाई ही नहीं गई, वो सबक ही नहीं पढ़ाया गया इसको, वो चैप्टर खोला ही नहीं गया और कभी इसने खुद भी नहीं पूछा कि भाई मैं शिया हूं, मैं मुहिब फकत नहीं हूं, मुहिब से अगली कैटेगरी में हूं, मैं शिया हूं, शिया की जिम्मेदारियां हैं, मुझे मेरी जिम्मेदारियां भी बताओ क्या बनती हैं। अगर शिया जिम्मेदार होता और अपनी जिम्मेदारियां समझता और अपनी जिम्मेदारियां निभाता तो आज इस ममलिकत में शिया की यह हालत न होती और तारीख में शिया की यह हालत न होती। मैं आपको एक नमूने के तौर पर एक दलील भी पेश करता हूं अजीज मन, कि मुहिब जब शिया बन जाता है, मुहिब जब अपग्रेड हो जाता है, मुहिब जब आइम्मा की गमियां और खुशियां समझ लेता है और आइम्मा को खुश करने का राज जब उसे मालूम हो जाता है, आइम्मा शिया से कब खुश होते हैं? जब शिया को आइम्मा की खुशी का राज पता चल जाए। आपके सामने आपकी आंखों देखा नमूना मौजूद है कि लुबनान में मुहिब अहले बैत सदियों से आबाद थे लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था, लिहाजा कसम कुर्सी की जिंदगी थी, फख्र फाका की जिंदगी थी, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी थी। लेकिन जिस दिन लुबनान के शिया ने एहसास किया कि मैं जब शिया अली हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं और वो जिम्मेदारियां एक मुअल्लिम ने उनको बता दी, उस मुअल्लिम का नाम है रूहुल्लाह खुमैनी।
جس نے شیعہ کو شیعہ کی ذمہ داریاں بتا دی لبنان کی سرزمین پر، کتنی تیری ذمہ داریاں بنتی ہیں. اور شیعہ نے جس دن یہ سبق پڑھا اور اپنی ذمہ داریاں سمجھی، چند ہزار شیعہ نے جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا، آج دنیا سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن لبنان کے شیعہ کو نہیں بھول سکتی. شیعہ یعنی مالک اشتر کے آنسو، شیعہ یعنی مالک اشتر کی علی کے سامنے جھکی ہوئی نگاہیں، شیعہ یعنی علی کے سامنے مالک اشتر کی شرمساری. مالک اشتر علی کے سامنے آئے، روتے ہوئے تلوار سامنے رکھی اور کہا کہ اے کاش مالک زندہ نہ ہوتا، یہ دن مالک کو نہ دیکھنا پڑتا کہ مالک کے ہوتے ہوئے علی اس مشکل میں پڑ جائیں. یا مہدی.